दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Vivo Y91i के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं ये पर्टिकुलर Vivo Y91i के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके पास Vivo Y91i या तो Vivo Y91, 93, 95 ये अगर तीन चार मॉडल में से कोई भी एक मॉडल है जिसमें कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका मोबाइल कुछ दिन चलते बाद, एक दो दिन तीन दिन चलने के बाद अपने आप डिस्प्ले लाइट बंद हो जाता है और ऑन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये जो तीन चार मॉडल मैंने बताया इसमें बहुत ज्यादा होता है अगर आपने सेकेंड टाइम डिस्प्ले लगाया है, मतलब आपने अगर रिसेंटली लोकल डिस्प्ले लगाया है तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है Vivo Y91, 95, 93। तो यही केसेस में आज मैं इसका जो प्रॉब्लम था ठीक कर लिया। तो कैसे, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक कर सकते हो? नॉर्मली अगर आपका मोबाइल बार बार डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है, कॉल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्ले का लाइट अचानक बंद हो जाता है तो उसको आप कैसे ऑन कर सकते हो, या तो डिस्प्ले का लाइट कैसे ऑन कर सकते हो, या तो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स भी बताऊंगा। एकदम वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा, बाद में आप ही पछताओगे। तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है Vivo का Y91i और इसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि दो तीन दिन चलता है कभी कभी, तो एक दिन में दो दो बार भी हो जाता है, कभी कभी दो दिन तीन दिन चल जाता है। लेकिन क्या होता है ना, मोबाइल चलता है, चलते चलते अचानक जो है सब कुछ चलते रहता है। अगर YouTube चला रहे हो, YouTube चल रहा है लेकिन डिस्प्ले का लाइट अचानक बंद हो गया, तो उस केसेस में आप उसको कैसे ऑन कर सकते हो? क्योंकि मोबाइल तो ऑन है, आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मोबाइल बंद भी नहीं कर सकते हो। तो आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए, अगर आपका मोबाइल, देखिए ऐसे तीन, अभी मोबाइल क्या है, ऑन है, तो बंद करने के लिए पावर बटन दबा के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको पावर बटन नहीं दबाऊंगा, देखिए उसको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका को फॉलो कीजिए। वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों बटन के ऐसे हाथ रखो और पावर बटन, तीनों बटन के ऊपर ऐसे हाथ रखो। देखो अभी मोबाइल ऑन है, मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए तीनों बटन को एक साथ ऐसे प्रेस करके रखना, सोच लीजिए आपका मोबाइल डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे पकड़ कर रखिए। कुछ देर के बाद क्या होगा ना, आपका मोबाइल में Vivo का लोगो आ जाएगा। देखिए ऐसे पकड़ के कुछ देर रखिए, वाइब्रेशन होगा और आपका मोबाइल में Vivo का लोगो आ जाएगा। थोड़ा देर ऐसे पकड़ के रखना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो, तीनों बटन को ऐसे प्रेस करके रख सकते हो। अगर कुछ देर के बाद 10-12 सेकंड के बाद भी डिस्प्ले में कुछ भी लोगो फोगो नहीं आया तो छोड़ देना। उसके बाद क्या करना, देखिए तीनों बटन के दबा के रखा, देखिए Vivo का लोगो आ गया। तो आपको ऐसे करने से क्या होगा, जो आपका डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया है वो आ जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे आप तो बता दिए लेकिन ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं, बार बार बंद होता रहेगा क्या, बार बार हम तीनों बटन दबाते रहेंगे? देखिए इसका परमानेंट सोल्यूशन बताता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आता है मैं पहले बताता हूं। देखिए ये है, ये जो है Vivo Y91i का डिस्प्ले है और ये वाला डिस्प्ले में वो सेम प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो कस्टमर है वो बोला कि बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बोला एक काम करो, उसका परमानेंट सोल्यूशन है, डिस्प्ले चेंज कर लो। तो उस भाई ने क्या किया, डायरेक्ट उसका डिस्प्ले चेंज कर लिया। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो फिर अच्छा कंपनी का कोई अच्छा डिस्प्ले लगा लीजिए, या तो ओरिजिनल डिस्प्ले लगा लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट डिस्प्ले में ऐसे ही चलाना चाहते हो तो तीनों बटन दबा के, देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है, तीनों बटन दबा के ऐसे काम चला सकते हो। हाँ, जब भी ऐसे हो ऐसे तीनों बटन के दबा के रखना, बंद होके ऑन हो जाएगा, आपका मोबाइल डिस्प्ले का लाइट आ जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों क्या प्रॉब्लम के चलते क्या होता है, डुप्लीकेट डिस्प्ले में यह प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डुप्लीकेट जगह में ओरिजिनल डिस्प्ले भी लगा सकते हो, या तो कोई कोई वर्सन मैच नहीं होने से, जो डिस्प्ले का वर्सन होता है ना, बहुत सारा कंपनी का आता है, कभी कभी वर्सन नहीं मैच होने से यूनिवर्सल मॉडल आता है तो वो ऐसा प्रॉब्लम करता है। तो आपको क्या करना है, परमानेंट सोल्यूशन के लिए दूसरा डिस्प्ले चेंज कर लेना है अच्छा क्वालिटी का, तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है? अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।